नहीं बदला. आमेन. एन अनचेंजिंग क्राइस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड. जैसे वचन को मैंने पढ़ा, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और युग न युग एक सा है. यीशु मसीह कल आज और युग न युग एक सा है. और एक जगह और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैथ्यू चैप्टर 4:23-25 तक. और यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार के बीमारी और दुर्बलता से दूर करता रहा और सारे सीरिया और उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारी जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाले और झोले के मारे हुए को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया. और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और सारे यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की उसके पीछे हो ली. प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि जब इस दुनिया में था वो हर जगह पैदल चलकर गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, जहाँ जहाँ वो जाता रहा सब लोग उनके पास, दुखी लोगों को, बीमारी लोगों को, मिर्गी वाले लोग, छोले के मारे, सबको उनके पास लाता था और वो सबको चंगा करता था. आमेन. क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो इन सब आश्चर्य कामों को करता रहा और वही प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है. आमेन. क्योंकि उसने मुर्दों में से जिंदा हो करके आज हम लोगों के साथ है आत्मा के द्वारा. क्योंकि वो स्वर्ग जाते समय बताया था कि मैं जाता हूँ तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा और सहायक तुम लोग के साथ रहेगा. आज ईश्वर शरीर के द्वारा हम लोग के साथ नहीं लेकिन आत्मा में हम लोग के साथ है. आमेन. और वही काम वो करता है जो उन्होंने इस दुनिया में रह कर किया और आज भी करता है और आज भी वही काम करता है क्योंकि वो कभी बदलता नहीं. आमेन. हैं? क्योंकि वो कभी बदलता नहीं. वो कल आज और युग न युग एक सा है. वो अनचेंजिंग क्राइस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड. ये दुनिया बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया लास्ट 40 ईयर्स में. ठीक बात कि नहीं? लास्ट 40 ईयर्स में बहुत कुछ बदलाव हम लोगों ने देखा. जैसे बाइबल में भी बहुत जगह पर 40 ईयर्स के बारे में कहता है ना. हाँ, जैसे नोआ के समय 40 ईयर्स, 40 दिन 40 रात पानी बरसा और फ्लड आया और सभी प्राणी को नाश किया, खाली नोआ उनके परिवार बचा था. और फिर मूसा के समय भी हम देखते हैं कि इसराइल लोगों को 40 साल उस रेगिस्तान में घुमाया. और फिर प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में 40 दिन उपवास किया ना, जब परीक्षा का सामना किया. और फिर प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो 40 दिन इस दुनिया में रहा. आमीन. 40 दिन के बारे में बाइबल में बहुत कुछ बताता है. और मैं भी जब 40 साल के था मैं कनाडा गया था. आई वॉज 40 ईयर्स ओल्ड जब मैं 1987 में कनाडा गया था. नाउ 35 ईयर्स हो गया. और जानते हो इस 40 साल में बहुत बदलाव मैंने देखा कि यहाँ से कनाडा जाते समय या वहाँ पर गया, वहाँ पर उससे मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था क्योंकि इसी तरह से लैंडलाइन था. और अगर तुम्हें किसी बात करना है तो पे फ़ोन में जाओ, पे फ़ोन से बात करो. इस तरह से वहाँ पर हम लोग शुरुआत किया. लेकिन
जैसे पहले हम लोग गीत भी गाते थे, सुनते थे रे, बोले देख तेरी संसार की हालत कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला चांद ना बदला कितना बदल गया इंसान। जानते हो इस 40 साल में हम देखते हैं सूरज चांद सब कुछ कुछ नहीं बदला है, लेकिन हम जानते हैं इंसान बदल गया, लेकिन हम जानते इंसान बदलने पर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं बदला। आमीन। क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है। थोड़ा देर के लिए मैं 40 साल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। बोले 40 years ago चिल्ड्रन वेर जेंटल विद देयर पेरेंट्स, टुडे पेरेंट्स हैव टू बी जेंटल विद देयर चिल्ड्रन। हैं 40 साल पहले हम देखते रहे कि जो बच्चे लोग हैं अपने माता पिता को कितना आदर करता था, हैं 40 साल पहले, और अभी माता पिता को एकदम बच्चों को देखकर उनको आदर करना पड़ता है। 40 years ago everyone wanted to have children, today many people are afraid of having children। 40 साल पहले ऐसे नहीं रहा ना, शादी होती हम देखते हैं 2-3 बच्चे हो जाते हैं, 4-5 हो जाते, 6-7 हो जाते हैं। मलंगेरी में एक व्यक्ति के मैंने सुना 16 children था, 16, क्योंकि मलंगेरे में वहाँ पर हम चेत जाते हैं, वहाँ बगल नहीं बा, जानते हो 16 children थे। अभी के ज़माना वो आ गया, लोग डरते हैं बच्चों को पालने में या बच्चों को इस दुनिया में लाने में। बोले 40 years ago चिल्ड्रन रेस्पेक्टेड देयर पेरेंट्स, नाउ पेरेंट्स हैव टू रेस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन। हैं 40 साल पहले हम देखते बच्चे लोग जो था वो माता पिता को बहुत आदर सम्मान करता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज के समय ऐसा है चाहे फिजी हो चाहे विदेश हो चाहे दुनिया कोई के कोने में तुम जाओ, बच्चे लोग जो है के सामने माता पिता को झुकना पड़ता है, हैं रेस्पेक्ट देना पड़ता है। 40 years ago मैरिज वॉज ईजी बट डिवोर्स वॉज डिफिकल्ट। नाउ डेज इट इज डिफिकल्ट टू गेट मैरिड बट डिवोर्स इज सो ईजी। बदलाव आ गया ना, बदलाव आ गया, क्योंकि पहले के समय हम लोग डिवोर्स के बारे में नहीं सुना था, सुनता भी नहीं था कि डिवोर्स। आज के जमाने में हम बहुत सहज से हो जाता है, 1-2 साल खत्म हो जाता है। कभी कभी रेडियो में गाना भी लिखा, शादी करने से बोले प्रेम कम हो जाता है, खलास, शादी करने से फिर प्रेम कम हो जाता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। 40 years ago वी गेट टू नो ऑल द नेबर्स बट नाउ वी आर स्ट्रेंजर्स टू आवर नेबर्स। यहाँ पर तो ठीक हम लोग पड़ोसी लोग के जानता है, लेकिन हमारे कंट्री में और कई कंट्री में किसी से रिश्ता नहीं रखते, सब कोई यही बोलते माइंड योर ऑन बिजनेस, हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने अपने जीवन के बारे में सोचो और दूसरे के बारे में चिंता नहीं करो। 40 years ago विलेजर्स वेर फ्लोकिंग टू द सिटी टू फाइंड जॉब्स, नाउ टाउन पीपल फ्लीइंग फ्रॉम स्ट्रेस टू फाइंड पीस। हैं 40 साल पहले हम देखते गांव के लोग दौड़ते रहे सिटी में कि वहां पर हमको अच्छी नौकरी मिले, और आज लोग सिटी से गांव भागते हैं, बोलते चलो वहाँ पर जहाँ पर शांति है, जहाँ पर समुद्र के किनारे कहीं ऐसा जगह जाकर रहे जहाँ हमें शांति मिले। हैं 40 years ago पीपल हैड टू ईट अ लॉट बिकॉज दे नीडेड एनर्जी टू वर्क हार्ड, नाउ वी आर अफ्रेड टू ईट फैटी फूड फॉर द फियर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हैं 40 years ago हम देते हम लोग सच्चे खाते रहे, खूब खाते रहे, खूब खाते रहे, जो मिल जाए वो खा लेते रहे, हैं क्योंकि हम मंगता रहा खूब ठगड़ा हो जाओ, हैं लेकिन आज के समय हम डरते हैं खाने के लिए, हैं खाते तो थोड़ा खाते हैं, और क्योंकि हम नहीं जानते कि कोलेस्ट्रॉल नहीं हो जाए, हैं
या बीमारी नहीं आ जाए, बदलाव आ गया ना। बोले 40 इयर्स अगो एवरीवन वांटेड टू बी फैट एंड लुक हैप्पी, नाउडेज एवरीवन डाइट्स टू लुक हेल्थी। 40 साल पहले हम जानते लोग मंगता रहा तगड़ा रहे मोटा रहे, आजकल डाइट करना, लोग डाइट करना करते कि हेल्थी रहने के लिए। 40 इयर्स अगो रिच पीपल प्रिटेंडेड टू बी पुअर, बट नाउ पुअर आर प्रिटेंडिंग टू बी रिच। कुछ कुछ सच है, आमेन। बोले 40 इयर्स अगो ओनली वन वर्क टू सपोर्ट द होल फैमिली, बोले नाउ ऑल हैव टू वर्क टू सपोर्ट वन चाइल्ड। सच बात है ना कि अभी कितना मुश्किल के समय आ गया कि लोग पहले एक जन पिता काम करता था, सब परिवार को वो देखभाल करता था, खाना खिलाता रहा और कोई कमी नहीं महसूस रहता रहा। लेकिन आज हम जानते हैं कि सबको मेहनत करना है, सबको काम करना है एक बेटा या बेटी को सपोर्ट करने के लिए। बोले 40 इयर्स अगो पीपल लव टू स्टडी एंड रीड बुक्स, नाउ पीपल लव टू अपडेट देयर फेसबुक एंड रीड देयर व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक बात है ना, उस समय जब ये सब नहीं था लोग बुक पढ़ते रहे, हैं लोग अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ते रहे, लोग अच्छे अच्छे चीज़ों को देखते रहे। उस समय टीवी नहीं था, उस समय ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, हैं। ये सब नया जमाना जब आ गया, ये इंटरनेट आ गया, हम देखते हैं कि सब लोग फेसबुक में चला जाते हैं, सब लोग अपना मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस को देखते और ज़्यादा समय उसमें निकाल देते। प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं इस जमाना जो है, बदला हुआ जमाना में, जमाना जो बदल गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं बदला है। इज एन अनचेंजिंग क्राइस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल आज और युग न युग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह शुरुआत में था, प्रभु यीशु मसीह 2000 पहले इस दुनिया में आया था, वो समय था, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया और फिर भी आज हम लोग के साथ आत्मा में है। क्योंकि हम जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो कभी नहीं बदलता। बोले गॉड्स प्लान, परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान है वो कितना अद्भुत है। क्योंकि जब इस दुनिया में जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के नियम को उल्लंघन किया उस फल को खाने के द्वारा, तो हम जानते हैं उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य के बचाने के लिए प्लान तैयार किया कि उसने एक कुंवारी, क्योंकि जो कुंवारी के द्वारा पाप आया था, स्त्री के द्वारा पाप आया था, लेकिन ये परमेश्वर ने वादा किया कि एक कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में मुक्तिदाता आएगा, और वो प्रभु यीशु मसीह जो एक कुंवारी के द्वारा, हम जानते क्रिसमस आने वाला है, उस समय हम लोग याद करेंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। जैसे मैथ्यू 1:21 में कहता है, एंड शी विल हैव अ सन एंड यू आर नेम हिम जीसस फॉर ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। यीशु ने कहा तो उसका नाम रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो उनके लोगों के, उनके पापों से उनको उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया। इसीलिए जॉन 3:16 कहता है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारे सृष्टि के रचने वाला है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि के रचने वाला है। जानते हो
He is the savior of the world. सारे सृष्टि के रचने वाला और इस दुनिया में आया. पहला, only Christ gives life and more abundantly. इस दुनिया में कोई नहीं आया और जो अनंत जीवन देने के लिए, और कोई नहीं आया. John 10:10 में कहता है, the thief come for the purpose to steal, to kill, to destroy. I have come to give you life and more abundantly. बोले चोर कोई काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता. लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया हूं जीवन देने के लिए. आमीन. इस दुनिया में कोई नहीं आया जीवन देने के लिए, है? कोई नहीं आया. क्योंकि हम कभी कभी गीत को गाते, बोले जितना पैदा हुआ सभी मर गए, लेकिन निकला कब्र से हमारा मसीह. आमीन. निकला कब्र से जिंदा हमारा मसीह, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा प्रभु है, और आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है. आमीन. बोले ओनली क्राइस्ट गिव्स पावर टू ओवरकम द वर्ल्ड. जंतु केवल प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हें सामर्थ्य देता है, तुम सब चीज से विजय पाओ, है? अपने पाप से, अपने गुनाह से, अपने दुख से, अपने बीमारी से, अपने पीड़ा से, अपने तकलीफ से, सब चीज से विजय वही देता है, और कोई नहीं है. तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह हमारे फैमिली में आया जिस समय, बहुत साल हो गए. मेरा एक बहन भी था जो सबसे छोटी थी, उसके पैर में, इसके पैर जो है दोनों सुन हो गया था, चल नहीं सकता रहा. और जो वो चल नहीं सकता रहा, वे लोग सब मंदिर हो जा सभी जगह उनको ले गया, और सब जगह पर दिखाने के बाद में आखिरी में वो लोग थक गया. मेरे भाई के घर पर ले गया लोटोका में. मेरे ब्रदर जी केल जो है, उनसे बताया, हम लोग थक गया, खलास, हम लोग अब नहीं सकता कुछ करे के लिए. तुम अपने बहन के लिए प्रार्थना करो कि वो चंगाई पाए. और जानते हो, मेरे भाई के घर पर जाकर उसको छोड़ दिया गया, और मेरे भाई यही बताया, देखो हम लोग कोई चंगा नहीं कर पाएगा, खाली चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है. हैं, तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और वही तुम्हें चंगा करेगा. और जान तो कुछ ही सप्ताह उनके घर पर रहा, और एक क्रूसेड था, उसको ले गया और उसको उठा कर ले गया, दोनों उसको उठा कर ले गया, लेकिन वहाँ से वो चलता हुआ आया. आमीन. ही इज़ अ मिरेकल वर्किंग गॉड, ना? है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो वही आश्चर्य कर्म जो उस समय किया, वो आज भी करता है, आज के दिनों में भी करता है. मैं जानता हूँ आज तुम में से कितने लोग जो है आश्चर्य कर्म को देखा होगा, तब तो तुम यहाँ पर है, ना? मैंने बहुत से आश्चर्य कर्म को देखा, बहुत से. मेरे बहन के एक बेटी यहाँ नवकाय में था. मैं लोटोका गया, मेरे बहन ने बताया कि राधा बहुत बीमार है, बहुत, वो चलती नहीं, बहुत बीमार है. बोले हम क्यों नहीं उनके लिए प्रार्थना करो. तो मेरा बहन बने, वो लोग भी कुछ दिन हुआ सेव्ड हुए, उनके लेकर हम लोग गए नवकाय. जब वहाँ पर गया, ये लगभग 2-3 साल 4 साल के बात है, और जब वहाँ पर गया, वो चुपचाप बैठी थी, रोती थी, काम नहीं करती थी, कुछ नहीं. फिर थोड़ा मैं बात किया, वो कुछ बताता भी नहीं. हम लोग प्रार्थना शुरू किया, जब प्रार्थना शुरू किया तो कूदने लगा, चिल्लाने लगा, दुष्ट शैतान जो उस पर आ गया, और वो चिल्लाने लगा, और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और हुकुम दिया, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया. हैं, तुम जानते हो आज वो बदल गई. उस समय उसका पति उसको देखभाल नहीं करता रहा, ना भोजन देता रहा, ना सौदा लाता रहा, कुछ नहीं. हैं, आज वो गवाही देता है कि बोले मामा, बोले मेरा हस्बैंड जो है इतना बदल गया, आज वो देखी घर में कौन सी सौदा नहीं है, वो लेके आई, बोले हैं, क्योंकि वो बदल गया. जब प्रभु यीशु मसीह बदलता है तो इस रीति से बदलता, क्योंकि वो कल आज युग न युग एक सा है. आमीन. इसलिए हमारा विश्वास और भरोसा
सिर्फ यीशु पर होना है जो नहीं बदलता है। तुम किसी पर भरोसा रखेगा वो बदल जाएगा, याद रखना। इफ यू ट्रस्ट समवन, हैं, वो तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें धोखा देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है तुम्हें कभी नहीं धोखा देगा। इसलिए एक बाबा शॉप में मैंने गया था, बाबा शॉप में बार काटने के लिए, तो वहाँ पर एक साइन लिखा था, बोले इन गॉड वी ट्रस्ट, बोले रेस्ट पे कैश, हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, बोले रेस्ट पे कैश। अगर तुम्हें ट्रस्ट करना है सिर्फ परमेश्वर पर, हाँ, रेस्ट पे कैश, हैं, क्योंकि तुम किसी पर भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि वो सब धोखा देगा तुम्हें, हैं, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं धोखा देगा, क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है। आमीन। यीशु मसीह कभी नहीं तुम्हें धोखा देगा, और इसीलिए जॉन 16:33 में कहता, आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस सो दैट यू मे हैव पीस इन मी, हियर ऑन एट यू विल हैव मेनी ट्रायल्स एंड सोरोस, बट टेक हीड बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। बोले मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, क्यों, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, इस संसार में तुम्हें तूफान का सामना करना पड़ेगा, इस संसार में तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, मगर याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। तो आज हम भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखे, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है, और जब संसार को जीता है वो हमें भी जीत लिया है, और उसके पीछे हम जब हो लेते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। बोले ओनली क्राइस्ट गिव्स अस द होली स्पिरिट एंड पावर। एक्स 1:8 में कहता है, बट यू शैल रिसीव द पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू एंड यू शैल बी माय विटनेस टेलिंग पीपल अबाउट मी एवरीवेयर इन जेरूसलम थ्रू आउट जुडिया इन समेरिया एंड इवन एंड्स ऑफ द अर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक्स 1:8 में कि यू शैल रिसीव पावर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आज सामर्थ में कौन देता है, हैं? कौन सामर्थ देता है? हम जानते प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते तब हमें सामर्थ मिलता है, हैं? हम खुद प्रार्थना करने से चंगाई नहीं मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह सामर्थ को देता है, सामर्थ के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा लोग चंगाई पाते, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, और फिर तुम बोले टेलिंग पीपल अबाउट मी एवरीवेयर, तुम सब जगह जाकर मेरे बारे में बताओगे, हैं, इन जेरूशलम थ्रू आउट जुडिया एंड समरिया एंड द एंड्स ऑफ द अर्थ। यानी तब तुम जब सामर्थ पाओगे तुम बैठ नहीं सकते हो, हैं, तुम सारे कोने में जाओ। जेरूशलम जो है वो तुम्हारा नगर है, तुम्हारा सिटी है, तुम्हारा टाउन है, हैं, एंड जुडिया जो है वो थोड़े बाहर के शहर में, और फिर बोले सारे दुनिया के कोने कोने में मेरा गवाह तुम बनोगे। और आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको उसकी गवाह बनाना चाहता है। आमीन। हैं, उसका गवाह बनना चाहता है, हैं, बोले प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाने वाला बनना है, हैं, बोले प्रीच द गॉस्पल। गॉस्पल क्या है, हैं, GOSPEL ना, गॉस्पल ना, गॉड ऑफर सिंफुल पीपल इटर्नल लाइफ। आमीन। गॉस्पल यही है कि गॉड ऑफर सिंफुल पीपल इटर्नल लाइफ, यानी प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए अनंत जीवन का रास्ता निकाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यू शैल बी माय विटनेस, तुम मेरे गवाह बनोगे सारे यरूशलेम जुडिया और दुनिया के कोने कोने तक मेरे वचन को सुनाओगे।
बोले ओनली क्राइस्ट गिव्स होप्स वेयर देयर इज नो होप। जानते हो केवल प्रभु यीशु मसीह आशा देता है जहां पर कोई आशा नहीं है। जहां पर कोई आशा नहीं वहां पर प्रभु यीशु मसीह आशा देता है, क्योंकि वो आशा देने वाला परमेश्वर है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में कहता है, देन जीसस सेड कम टू मी ऑल हु आर वियरी एंड कैरी हेवी बर्डन्स आई विल गिव यू रेस्ट। है बोले ये सब थके मन भारी बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आमेन। यीशु निमंत्रण देता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज हम जानते हैं कितने लोग जो है वो भागते हैं, हैं इधर भागते कि किधर हमें मदद मिलेगा, कहां पर हमें चंगाई मिलेगा, कहां पर हमारा दुख हटेगा, कहां पर हमारा बोझ दूर होगा। लोग परिश्रम करते, लोग भागते, लेकिन आज यीशु निमंत्रण देता, आओ मेरे पास। हैं जब तो प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में देता है, हैं मुक्ति मुफ्त में दिया है, चंगाई मुफ्त में देता है। वो आज डॉक्टर के पास जाओ, कहीं जाओ, सब पैसा चार्ज करता है ना। बिना पैसा कुछ नहीं हुए, कहीं भी जाओ तुम, सब जगह, यहाँ कनाडा, अमेरिका, फिजी, कोई जगह जाओ, सब जगह पैसा 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 है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है आओ सब मेरे पास। आमेन। वो मुफ्त में कहता आओ मेरे पास, हे सब थकेवन जो थक गए अपने जीवन से, अपने तकलीफ से, अपनी बीमारी से। यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक समय एक व्यक्ति के घर पर मैंने गया, उसने बोला ब्रदर, सब कोई बोले प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, बोले तुम्हें क्रूस दिखाई। लेकिन ब्रदर बोले हमें क्रूस नहीं दिखावे, बोले हमें रस्सी दिखावे, बोले हैं। मैंने बोला क्यों? जानते हो? क्योंकि वो 50-50 था। जानते हो 50-50 ना, आधा दुनिया में अपना जीवन, आधा परमेश्वर में। जानते हो दोस्तों, 50-50 बहुत डेंजरस जगह है, ठीक बात कि नहीं? ना गर्म ना ठंडा, ठीक बात कि नहीं? अगर 50-50 तुम आए तो तुम जान लेना तुम बहुत डेंजरस जगह है, हैं। प्रभु यीशु मसीह भी रेवलेशन में भी बताया, बोले परमेश्वर बोले ना ठंडा ना गर्म, तुम्हें मुंह से उगल दी, हैं। 50-50 नहीं मांगे। अगर 50-50 रहेगा तो तुम जानते हो तुम्हें रस्सी दी गई, क्रूस नहीं दिखाई, सच बात की नहीं है। लेकिन यीशु कहता है ये सब थके मन जो तुम थक गए हो अपने जीवन से, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कल आज और युग न युग एक सा है, और आज तुम्हें निमंत्रण देता है आओ मेरे पास। और यीशु के पास तुम आएगा, तुम्हें खाली नहीं जाने देगा। आमेन। वो कभी खाली नहीं जाने देगा, क्योंकि वो चाहता है तुम्हें वो जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, वो शांति मिले, बहुतायत की शांति मिले, वो आशा मिले जो बहुतायत का आशा मिले, ताकि तुम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जान तो यीशु के पास पीछे तुम हो लोगे, तुम मुड़ के नहीं देख सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कोई चीज बाकी नहीं जो तुम मांगता रहा तुम्हें नहीं मिला है। 1964 से आज तक प्रभु यीशु मसीह कभी मैं नहीं धोखा, जिसमें सेव्ड हुआ 1964 में, और आज तक प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी नहीं धोखा दिया। लेकिन इंसान बहुत धोखा दिया मुझे, मैं बतलाना चाहता हूँ है। जिधर जाओ मैं ठोकर खाया है, चेस लोग हमें धोखा दिया, पादरी लोग धोखा दिया, सब धोखा दिया है, सब ठोकर खाते पर भी प्रभु यीशु मसीह हमें ठोकर नहीं दिया। आमेन। क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए हमें यीशु के पीछे हो लेना है, बहुत ज़रूरी, और यीशु के पीछे चलते रहना है। और यीशु के पीछे चलते रहेगा तो हम कभी पछताएंगे नहीं, कभी हम पछताएंगे नहीं, क्योंकि यीशु के पीछे चलने से ही हमें जीवन मिलता है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 में 19 में लिखा है, बोले यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे है, यानी दया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम जानते हैं हम कभी पछताएगा नहीं, हम कभी नहीं पछताएगा। मैं बतलाना चाहता हूँ,
मैं कभी नहीं पछताया। तो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है। बोले ओनली क्राइस्ट गिव्स अस पीस इंस्टेड ऑफ इन अ टर्मोइल। 14 John 14:27 में लिखा है, आई एम लिविंग विथ यू द गिफ्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट, एंड द पीस आई गिव इज अ गिफ्ट द वर्ल्ड कैनॉट गिव, सो डोंट बी ट्रबल एंड अफ्रेड। बोले मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और नहीं डरे। जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है वो जानते हो, वो आनंद शांति है। बोले आई गिव यू एज अ गिफ्ट, बोले द वर्ल्ड कैनॉट गिव, जानते हो एक हमें गिफ्ट की तरह वो शांति देता है जो दुनिया में नहीं दे सकता है। तो हम दुनिया में क्यों ढूंढे, आमीन, क्यों हम दुनिया में ढूंढे कि हमें हमें वहां पर मिलेगा शांति, कोई नहीं दे सकता है बिना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका शांति जो है वो अमन शांति है, हमारे आत्मा में शांति देता है। और वो शांति जो हमें मिलता है, हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा में तुम्हें शांति दे। मैं बतलाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत ऐसे चीज़ आए, अगर मैं उसका बयान करूँगा तो समय नहीं रहेगा मेरे पास, है मेरे पास समय नहीं रह जाएगा कि बयान करने से कि कितना इतने ऐसे ऐसा घड़ी से परमेश्वर मुझे निकाला। अभी मैं इस समय आया था, एक बहुत भारी कठिनाई लेकर आया था जो मुझे ज़रूरत था, लेकिन उस कठिनाई से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझे निकाला, आमीन। मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि समय बहुत लगता है ना, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि जैसे बाइबल में लिखा है कि 11th hour इज गोइंग टू प्रोवाइड योर नीड, आखिरी 11th hour परमेश्वर मेरे ज़रूरत पूरा किया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी नहीं बदलता, आमीन, जो वादा किया वो होकर रहेगा। ओ ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। बोले ओनली क्राइस्ट विल राइज अप इन फर्स्ट रेजरेक्शन। केवल प्रभु यीशु मसीह ही जो रेजरेक्शन के समय जो है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें उठाएगा। बोले मैथ्यू चैप्टर 28:6 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस खबर में से निकला, हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 28:6 में कहता, वो यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, और वह स्थान को देखो जहां वह पड़ा था। जानते हो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार उस खबर में से निकला। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कबर में चला गया, वो जानता नहीं रहा कब निकलेगा, ऐसे नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, आमीन, उसने बताया तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। कबर के पत्थर जो पड़ा था वो पत्थर को भी रोक नहीं सका, वो पत्थर जो है खुद लुढ़क गया, वो पत्थर जो था खुद ही लुढ़क गया। और जब पत्थर लुढ़का हुआ, उस स्त्रियों ने देखा, उसने रोने लगा कि ये पत्थर कौन लुढ़काया। प्रभु यीशु मसीह के दूतों ने वो खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, आमीन, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। यीशु यहां नहीं, वो जिंदा हो गया और अपने वचन के अनुसार जिंदा हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना ताकतवर है ना, कितना ताकतवर है। आप सोचो, देयर इज सो पावर इन द वर्ड, है जो वचन वो बोले उसमें बहुत ताकत है।
मैं आज बतलाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, बाइबल सचमुच में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी है, लेकिन मेरा वचन जो है कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी भी टाल सकता है लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा, क्योंकि वो कल आज और युग न युग एक सा है। आमीन। इज एन अनचेंजिंग क्राइस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। ये दुनिया सब कुछ बदल गया, उसका वचन नहीं बदला। इसलिए हमें उसके वचन में अटल रहना है, उसके वचन में हमें मजबूत रहना है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। साइंस से दैट वी नीड एटलीस्ट 4 बेसिक एलिमेंट टू सर्वाइव। साइंस कहता है हमें 4 अत्यंत जरूरी चीज जरूरत है जीवन में जीने के लिए। पहला चीज पानी, फिर हवा, और फिर भोजन, और फिर लाइट। 4 चीज की जरूरत है साइंस कहता है। और यीशु कहता है आई एम द लिविंग वाटर। आमीन। आई एम द ब्रेथ ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, एंड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। जो साइंस कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच है कि मैं ही और कोई नहीं। यीशु कहता है मैं ही जीवन का जल हूं, मैं ही द ब्रेथ ऑफ लाइफ। जो श्वास हमें मिला है वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह कहता आई एम द वन, और फिर आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी भी मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज हम जानते प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया ना, हाँ, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाया, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ है। और इस दुनिया में हमें जो की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, तो हम पानी के पास जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि जो जल तुम पीते हो इससे तुम फिर प्यासा हो जाएगा, लेकिन जो जल मैं देता हूं तुम कभी प्यासा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि मैं जीवन का जल हूं। ओ ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। इज अ लिविंग वाटर, है, इज अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, हमें जीवन दिया है। सुबह हम नहीं जानते हम जाग सकेगा कि नहीं है, लेकिन जब हम सुबह जागा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम नया दिन देख सके है। और इसी तरह से यीशु कहता मैं जीवन के रोटी हूं एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और आज हमें जो ज्योति दिया है वो जानते हो खाली ये ज्योति नहीं है, हमारे अंदर में ज्योति दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के अंदर आ गया है। आमीन। तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह अंदर जब रहता है तो बहुत फर्क रहता है, है? क्योंकि अंदर प्रभु यीशु मसीह जब रहता है, इसीलिए मैथ्यूस में कहता है बोले लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मी, बोले लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मी दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई द फादर व्हिच आर इन हेवन। बोले बोले तुम बोले अपने ज्योति को चमकाते रहो लोगों के सामने कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। और आज प्रभु यीशु मसीह हम जानते हो हमें सब कुछ देने के लिए आया, तो इसलिए हम उसके पीछे चलते रहे। बोले यू विल हैव नथिंग टू फियर इफ यू पुट योर लाइफ इन टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लेते हैं, बोले हमें कोई चीज की डरने की बात नहीं है, है? क्योंकि वो डर की आत्मा नहीं दिया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आमीन। संयम का आत्मा दिया है जो हमारे अंदर में वो प्रेम और शांति मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलते रहना है, क्योंकि वो हमें हर समय हमें वो आत्मा से परिपूर्ण किया है जो हमारे अंदर में इन जो अंदर में शांति दिया है।
बोले वेन द डेज ऑफ ट्रबल कम, बोले जीसस विल बी योर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। जब तुम्हारे ऊपर दुख मुसीबत आए तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा रिफ्यूज बनेगा, तुम्हें बचाने वाला बनेगा और तुम्हें सामर्थ देने वाले बनेगा। योर सेवियर एंड योर फ्रेंड है विथ योर हैंड प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा दोस्त बनेगा। अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त, कच्चा दोस्त नहीं, अच्छा दोस्त। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। जीसस इज सेइंग टू यू, पीपल आर गोइंग टू हर्ट यू, I will heal you, people will humiliate you, but I will magnify you. People are going to judge, but I will justify you. People will leave you, but I will be with you always. Hallelujah. Parmeshwar, hamara Prabhu Yesu Masih ne kaha ki sab taraf se tumhare upar musibat aayega, lekin main tumhe har samay tumhare saath rehkar tumhe bachaunga. आखिरी में मैं चाहता हूँ हमारा आंख जो है, बोले फिक्स योर आईज ऑन जीसस। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 में कहता है, बोले वी डू दिस बाय कीपिंग आवर आईज ऑन जीसस द चैंपियन हु इनिशिएट एंड परफेक्ट आवर फेथ बिकॉज ऑफ द जॉय अवेटिंग इन हिम एंड्यूर द क्रॉस disregarding it, saying, now is seated in the place of honor beside God's throne. बोले और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने तुम्हें आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर पिता की दाहिनी ओर बैठा। हमारा जो निगाह है यीशु मसीह की ओर हर समय रहना है। हम जानते हैं पतरस के बारे में, आपने जानते कि पतरस का आंखी जब यीशु की ओर था वो यीशु की ओर देखकर चलता रहा, लेकिन जिस समय उसका नज़र उससे हट गया वो डूबने लगा। और जानते हो प्यारे दोस्तों, अगर यीशु की ओर से तुम नज़र हटा लेगा तब तुम डूब जाएगा, तब किसी को तुम बदनाम नहीं कर सकोगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें, तुम मेरी ओर ताकते रहोगे तो तुम कभी भी डूबोगे नहीं। पतरस उस समय चिल्लाया जब वो डूबने लगा, फिर यीशु उसके हाथ पकड़ के उठाया। कभी कभी हो जाता है हम डूबने भी लगते हैं, लेकिन यीशु वहां खड़ा है उठाने के लिए। आमेन, इज एन अनचेंजिंग क्राइस्ट। आमेन, इज एन अनचेंजिंग क्राइस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। ग्लोरी टू गॉड। बोले व्हेन यू प्रे गॉड, गॉड लिसनिंग, व्हेन यू लिसन गॉड टॉक्स, व्हेन यू बिलीव गॉड वर्क्स। जानते हो जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनता है। आमेन, और जब तुम सुनता है तो प्रभु यीशु मसीह तुमसे बात करता है, परमेश्वर तुमसे बात करता है। और व्हेन यू बिलीव गॉड वर्क्स, सच बात है ना। हम लोग प्रार्थना करता है नहीं सोचना परमेश्वर नहीं सुने, परमेश्वर सुनता है ना? लेकिन जब हम विश्वास करता है, जब हम सुनता है तो परमेश्वर हमसे बात करता है। बाइबल में बताया स्टिल स्मॉल वॉइस ना, धीमी शब्द में तुमसे बात करता है। और जब तुम विश्वास करता है तो परमेश्वर काम करता है। जानते दोस्तों अभी 21st century 22nd में आ गया हम लोग, हम जानते हैं बहुत कुछ बदला हो गया, क्योंकि ये इंटरनेट के जमाना आ गया ना, इंटरनेट का ज़माना हो गया। अब सब कुछ लेस हो गया, सच बात की नहीं, सब कुछ कम हो गया हैं। पहले बड़ा बड़ा फोन लेके हम लोग चलता रहा हैं, और पहले क्या क्या रहता रहा है। मुझे याद है जब मैं फीजी में था, मैं खेत जोतता रहा हैं, उस समय छोटे छोटे रेडियो आ गया, ट्रांसिस्टर रेडियो लोग हम जेब में रख के